बीजेपी विधायक गणेश नाइक ने आज दिघा के यादव नगर में घर घर पानी पहुंचाने के लिए पाइपलाइन का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर पूर्व विधायक संदीप नाइक, पूर्व मेयर सुधाकर सोनाव ने, उत्तर भारतीय मोर्चा के जिला अध्यक्ष राजेश राय, युवा समाज सेवी वीरेश सिंह और अनिल गवते, दुर्ग विजय पाल, सुरेश पाल, विजय मिश्रा समेत तमाम पदाधिकारी और नागरिक मौजूद थे। पूर्व मंत्री गणेश नाइक ने यहाँ विरोधियों पर जमकर हल्ला बोला। देखिए रिपोर्ट। पूर्व मंत्री बीजेपी विधायक गणेश नाइक ने आज दीघा के यादव नगर में सीवरेज लाइन और अंतर्गत पेयजल पाइप लाइन का शिलान्यास किया। इस अवसर पर नागरी विकास कार्यों के शिलान्यास के अवसर पर पूर्व विधायक संदीप नाइक, पूर्व मेयर सुधाकर सोनाव ने, उत्तर भारतीय मोर्चा के जिलाध्यक्ष राजेश राय, युवा समाज सेवी वीरेश सिंह, अनिल गौते, दुर्ग विजय पाल, विजय मिश्रा, सुरेश पाल समेत कई पदाधिकारी और नागरिक मौजूद थे। विधायक गणेश नाइक ने विश्वास जताया कि नई पाइपलाइन से यादव नगर के लाखों रहवासियों को 24 घंटे पीने का पानी उपलब्ध होगा। उन्होंने राम आशीष यादव और शिवसेना का नाम लिए बिना विरोधियों पर जमकर हमला बोला। गणेश नाइक ने कहा कि जो लोग राक्षस और रावण बनना चाहते हैं उन्हें बनने दो, लेकिन हमें अच्छा इंसान बनकर जनता की सेवा करनी है। उन्होंने कहा कि यादव नगर की जनता सदैव उनके साथ रही है और मनपा चुनाव में भी साथ रहेगी। यहाँ पे करीबन 6 करोड़ रुपए का काम सीवरेज का हो रहा है। इसके पहले मैंने 25 लाख रुपया देवी धाम नगर के लिए दिया है और आज मैं नए साल में मार्च का जो बजट हुआ है उसमें से और 25 लाख रुपया यादव नगर देवी धाम नगर के लिए जाहिर कर रहा हूँ। यादव नगर पहले बहुत छोटी बस्ती थी, चलने के लिए कोई रास्ता ही नहीं था। महापालिका के माध्यम से और जब मैं पालक मंत्री था उस टाइम में लोगों की जो जरूरत के काम थे उसको पूरा करने के लिए मैंने उनको ताकत दी। अभी अब ये सीवेज का लाइन पड़ने के बाद में लोगों के घर में शौचालय आए। शौचालय के बिना इंसान का जीवन जानवर जैसा है और उसको पूरा करने के लिए हम पूरा प्रयास करने वाले हैं। राजनीति करनी तो दूसरे को गाली गलौज करके, दूसरे को बदनाम करके ठीक है, टेम्पररी उधर उछाल आ जाता है, किसी को गुस्सा आता है, किसी को अच्छा लगता है, लेकिन मेरा सिद्धांत ऐसे किसी को गाली देके किसी पार्टी का और व्यक्ति का नाम लेके राजनीति की नहीं करनी। कोई परिवार तोड़ के लोगों पे जुल्म करके अत्याचार करके अपना मकान दुकान सजाओगे, घोड़ा गाड़ी मारी बनाओगे, लेकिन आखिरी जब मरने का वक्त आएगा तो ये किए हुए पूरे कर्म फिर से याद आएंगे। मेरे मन में सभी लोगों के लिए प्यार है, उत्तर भारत दक्षिण भारत, रोबट्टी का गांव का शहर का, अमीर हो गरीब हो, जो दुनिया के साथ जाने की बात करता है वो लोगों को प्रोटेस्ट देने की बात हम करेंगे और मर मिटने तक हम लोग उसको प्रोटेक्ट करेंगे। बेगुनाह किस पर जुल्म करेगा तो हम लोग रुकने वाले नहीं है, वो उसको जुल्म करने वाले का हाथ हम लोग थमने वाले हैं। बताना जरूरी है कि दीघा यादव नगर उत्तर भारतीय बाहुल्य इलाका है। बीजेपी उत्तर भारतीय मोर्चा के जिलाध्यक्ष राजेश राय ने कहा कि यादव नगर की जनता बीजेपी और विधायक गणेश नाइक के विजन और विकास पर भरोसा करती है। कार्यक्रम में मौजूद असंख्य लोगों की भीड़ इसका सबूत है। यादव नगर भी एक मिनी उत्तर प्रदेश है, तो इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले चुनाव में यादव नगर की जनता आदरणीय गणेश नाइक जी के साथ पूरे मजबूती के साथ खड़ी रहेगी और यहाँ पर भी कमल खिलाएगी। देश में सिर्फ चार ही नाम की चर्चा है, देश में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस और नई मुंबई में सिर्फ और सिर्फ श्री गणेश नाइक जी। यादव नगर में आज 20 साल से माननीय श्री लोकनेता गणेश जी नाइक साहब के माध्यम से ही विकास हुआ है और हमने भी ये ठाना है कि उनके साथ जब यादव नगर के विकास के लिए हमने हमेशा उनके हाथ पैर जोड़े, उनके पास गए, हर एक जनता का कार्य को लेकर के दुख या सुख मैं उनके पास गया और उन्होंने सारे लोगों की मदद की।
इसके लिए मैंने यहाँ के जो स्थानीय कुछ लोग हैं, कुछ नेता है, वो भले ही उन्हें छोड़ दिए, लेकिन हमारे में हमारे माँ बाप ने ऐसी प्रवृत्ति नहीं सिखाई है कि जो हमेशा दुख में हमारे लिए खड़ा हो, अगर सुख जब आया तो मैं उसे छोड़ के चला जाऊँ। इसके लिए दादा का जो विचार है कि जात पात पंथ भेदभाव किसी के साथ नहीं करना है, एक समसामान्य जीवन जीते हुए लोगों की सिर्फ मदद करनी है। आज उसी मदद का फल हमारे इस यादव नगर में 4 करोड़ कुछ लाख का सीवरेज लाइन पास हुआ है। अब धीरे धीरे जन जन तक यह सीवरेज लाइन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वर इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वर इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।